तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सुदामा जी और श्री कृष्ण जी की जो झांकी होती है, आपने ऐसा कोई जागरण नहीं देखा होगा आज तक जिसमें सुदामा जी और श्री कृष्ण जी की झांकी ना दिखाई गई हो, जिसमें सुदामा जी बड़े व्याकुल, फटेहाल, गरीबी की अवस्था में रोते हुए श्री कृष्ण जी के दरबार तक पहुंचते हैं और द्वारपालों से रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि उन्हें श्री कृष्ण जी तक पहुंचाने का कष्ट करें, उन उन उन्हें जो है मिलने का मौका दिया जाए, और जा करके कन्हैया को बता दिया जाए कि उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने के लिए आया है। और अक्सर जो गीत बजता है, जो भजन बजता है, वो यही है, अरे द्वार पालो सुदामा कन्हैया से कह दो। जब भी वो एंट्री होती है तो सुदामा जी का ऐसा हाल दिखाया जाता है कि इनसे ज़्यादा दरिद्र, इनसे ज़्यादा बेचारा कोई नहीं है, किसी भी जागरण में आप देखना। और जैसे ही अगली कली, अगला अंतरा, अगला जो स्टेंजा स्टार्ट होता है, म्यूजिक चेंज होता है उसके अंदर, टन 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 टन, जैसे ही ये वाला आता है, वो बेचारा सुदामा, व्याकुल दरिद्र सुदामा, उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। वो तुरंत बेचारे से कॉमेडियन बन जाता है, कॉमेडी, तरह तरह की कॉमेडी करता है पब्लिक को हंसाने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए। और पब्लिक में जो वहाँ भक्तों की भीड़ बैठी रहती है, उसमें घुस जाता है, और जैसे ही वो घुसता है, लोगों के हाथ ऊपर उठ जाते हैं पैसों के साथ। कोई 10 रुपये देता है, कोई 20 रुपये देता है, कोई 50 रुपये देता है, और उसके बाद ऐसे पैसे ले लेके सुदामा जी की कॉमेडी बढ़ती रहती है, और उसके बाद अगला एक्ट खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार सुदामा जी का जो एक्ट है वो चलता रहता है, एक के बाद दूसरा भजन, दूसरे के बाद तीसरा भजन, और ऐसा कर करके वो कॉमेडी करके और डांस करके भक्तों से पैसे लेकर के अपना एक्ट पूरा। तो इस प्रकार जो सुदामा जी के 3 या 4 भजन होते हैं, जिन पर सुदामा जी किसी में कॉमेडी करते हैं, किसी में वो नाचते हैं, नाच कूद करके भक्तों का मनोरंजन करते हैं। लेकिन दोस्तों, भगवान और भगवान से संबंधित कोई भी पात्र, वो मनोरंजन के लिए तो कथा बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से शिव जी पार्वती नाच रहे हैं, श्री कृष्ण राधा जी नाच रहे हैं, काल का माई नाच रही है, हनुमान जी नाच रहे हैं, लोगों से पैसा ले रहे हैं नाच कूद करके, कोई 10 रुपये दे रहा है भगवान को, कोई 20 रुपये दे रहा है। दोस्तों, आत्मा पर बड़ा लोड पड़ता है, आत्मा रोती अंदर से भगवान का ये हाल देख करके। इस तरह से झांकियों में, झांकियों के माध्यम से भगवान की जो छवि है वो खराब नहीं करनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि झांकी ना हो जागरण में, झांकी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से भाई बहनों का ये काम है, उनकी जीवनचर्या जो है वो इसी के ऊपर चल रही है, उनका घर इसी काम से चल रहा है, इसी तरह से। और कलाकार हैं तो कलाकारों को मौका भी मिलता है इस प्रकार प्रदर्शन करने का। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो भी भगवान के रूप में आए, राधा कृष्ण जी के रूप में कोई आ रहा है, या शिव जी और पार्वती के रूप में कोई आ रहा है, बजरंग बली जी के रूप में कोई आ रहा है, सुदामा जी के रूप में कोई आ रहा है, तो उसको कदापि ये नहीं करना चाहिए नाच कूद, बल्कि वो दरबार में आकर के विराजमान हो भगवान के रूप में, और उनके सामने जो उनकी टीम के बाकी लोग हैं, जैसे कुछ लोग अगर राधा कृष्ण जी की झांकी है तो कुछ लोग गोपी और ग्वाले बन के आ सकते हैं उनके साथ, अगर शिव जी पार्वती की झांकी है तो शिव जी के गण बन के आ सकते हैं, और अगर सुदामा श्री कृष्ण जी की झांकी है तो बाकी लोग सुदामा जी और श्री कृष्ण जी विराजमान हो सिंहासन पर, और बाकी जो भक्तगण है वो नाच करके कूद करके अपनी हाजिरी लगाए, वो लगेगा कि हाँ, हम भगवान को इज्जत कर रहे हैं। जिसको जो दान देना है, जो भी देना है, वो भगवान के चरणों में वैसे ही समर्पित करते, जो भी भक्त आए उठ करके धोख खाए और चरणों में पैसे या फल फ्रूट या स्वीट्स वगैरह जो भी समर्पित करने वो करके और अपना चला जाए।
तो इस प्रकार से जो जागरण कमेटी है, जागरण ऑर्गेनाइज करने वाली कमेटी है, उनकी भी जिम्मेवारी है। जो हमारे भाई बहन जो कलाकार हैं झांकियों में जो पार्टिसिपेट करते हैं, झांकी निकालते हैं, जो भगवान के रूप में वहाँ मौजूद होते हैं, उनकी भी जिम्मेवारी है कि थोड़ा सा चेंज करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल बंद कर दें झांकियों को और नहीं होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भगवान के रूप में वो लोग आए, और जो नाचने का काम है, कूदने का काम है, पैसे भक्तों से लेने का काम है, वो भक्त लोग ही करें, या उनकी टीम के जो बाकी लोग हैं, सहायक कलाकार हैं जो लोग, वो नाचने कूदने का काम कर सकते हैं। तो सभी भाई बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी जागरण से रिलेटेड संबंधित हैं, किसी भी रूप में म्यूजिक से रिलेटेड हैं या झांकियों से संबंधित हैं, कि मेरी बात को दूसरे रूप में ना लेकर के इस रूप में स्वीकार करें कि हम सभी का सनातन धर्म के प्रति भी जिम्मेवारी है, भगवान के प्रति भी जिम्मेवारी है, कि जो भगवान का वर्णन ग्रंथों में पुराण में किया गया है और जिसमें भगवान को पूजनीय बताया गया है, उस भगवान को हम नचा नचा कर अपने मनोरंजन करा करके 10 रुपए दे रहे हैं, 20 रुपए दे रहे हैं, ये इंसानियत नहीं है हमारे हिसाब से। तो ठीक है, सारी चीजें हों, लेकिन एक भगवान की जो मर्यादा है, भगवान का जो स्थान है, उसको वहां रख करके हमें सारे काम करने चाहिए। तो सभी की जिम्मेवारी है सनातन धर्म के प्रति भी और हमारे धर्म के प्रति भी, ताकि दूसरे धर्म के लोग, दूसरे देश के लोग हमारे धर्म पर, हमारे सनातन धर्म पर, हमारे भगवान पर हंसे ना, उनका मजाक ना उड़ाए। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन झांकी से रिलेटेड हैं, हनुमान जी के रूप में प्रकट होते हैं या श्री कृष्ण जी, राधा जी के रूप में प्रकट होते हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बात को जितना हो सके समझें और इस बात को जितना हो सके सभी तक पहुंचाएं, ताकि लोगों का नजरिया, क्योंकि झांकियां जो है इस प्रकार दिखाई जाती हैं, वो इसलिए दिखाई जाती हैं क्योंकि लोग चाहते हैं ऐसा दिखाया जाए। अगर हम उनको कुछ बेहतर पेश करेंगे दर्शकों के सामने, भक्तों के सामने कुछ बेहतर चीज पर पेश करेंगे, तो लोग उसको भी स्वीकार करेंगे। आने वाले टाइम में बदलाव आएगा, लोग उसको भी स्वीकार करेंगे। और मेरा मानना है कि एक दिन सनातन धर्म की भी इज्जत, हमारे सभी जो भगवान हैं उनकी भी इज्जत जब पूरा संसार करेगा, तो हमारी इज्जत ऑटोमेटिकली हो जाएगी। हमारे सनातन धर्म की इज्जत होगी तो हम हैं, हमारा सनातन धर्म है तो हम हैं, नहीं तो बाकी देशों में जो हो रहा वो तो यहाँ भी हो सकता है कभी भी। इस चीज को समझें और जितना हो सके आपस में शेयर करें, बात करें, और कमेंट करके जरूर बताएं अगर कुछ अच्छा लगा हो तो, ताकि अगर कुछ गलत है, कुछ गलत कहा गया है, तो उसको चेंज किया जा सके। तो इसी संदेश के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें और भगवान के चरणों में ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम।